हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकफेस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कल जो गूगल ने न्यू गैजेट्स एंड हार्डवेयर लॉन्च किए वो क्या क्या है। तो आज मैं आपको इन्हीं हार्डवेयर एंड गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो गूगल ने कल डे ड्रीम वीआर, गूगल वाईफाई, गूगल होम और क्रोमकास्ट अल्ट्रा ये सब लॉन्च किए हैं। तो आज मैं इसी का स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करेंगे, क्या इनकी स्पेशलिटी है, क्या इनमें फीचर्स हैं और कि ये दूसरे से डिफरेंट एंड बेटर हैं। तो सबसे पहले हम डे ड्रीम की बात करेंगे। तो डे ड्रीम जो है ये फैब्रिक से बना हुआ है और ट्रेडिशनल इसका लुक है और ये वेरी कम्फर्टेबल है। और इसके साथ आपको एक टच पैड दिया जाएगा जिसके साथ आप इजीली गेमिंग फीचर्स का आनंद उठा सकते हैं। और इस टच पैड के थ्रू आप इसे स्क्रीन पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आप इजीली गेम खेल सकते हैं इसके ज़रिए। और जो इसकी प्राइस रहेगी लगभग $79 रहेगी और इंडिया में अप्रॉक्स मिनिमम 5400 रहेगी, जो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है बट बेटर चीज़ है ये। और इसका डिज़ाइन वेरी कम्फर्टेबल है और इसकी जो सर्विसेस है डे ड्रीम वीआर की, जो और बहुत जल्दी लॉन्च होगी, इसमें बहुत सुधार आएंगे, मतलब इसमें जो बहुत अपडेट्स आएंगे। यूट्यूब से हम कनेक्शन कर पाएंगे, गूगल स्ट्रीट वे इसमें अदर ऑप्शन है और इसका जो थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी कनेक्ट हो पाएगा और साल के एंड में हम अलग अलग गेमिंग फीचर्स इसमें आनंद उठा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा जो है गैजेट वो है गूगल वाईफाई। उस पर हम मूव करेंगे और देखेंगे गूगल वाईफाई क्या है और क्या उसके फीचर्स हैं। गूगल वाईफाई ये है गूगल वाईफाई। सिंपली लिटिल क्यूट सा दिखने वाला ये गूगल वाईफाई है जो हम अपने होम में फिट करके यूज़ कर सकते हैं। और ये इजीली रेंज इसकी जो स्पेसिफिक बताई नहीं गई है, पर इजीली ये हम घर में अटैच करके सीमलेसली ये कनेक्ट होता है और वर्क करता है। और इसकी प्राइसिंग पे हम जाएंगे तो अगर हम वन पीस लेते हैं तो $129 का है, इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे अप्रॉक्स 8500 होगा और थ्री पीसेस $299 होगा, इट मींस 19900 रुपये अप्रॉक्स। और इसकी रेंज नहीं बताई गई है, तो तीन पीसेस हम लेंगे तो अगर तो हम एक ही घर में, अगर हमारा घर अलग अलग हम फिट करना चाहते हैं ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, तो ये एक दूसरे के साथ सिमलेसली कनेक्ट हो पाएगा, इजिली वर्क कर पाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा और ये हम इसे इजिली मैनेज कर सकते हैं, इसके नेटवर्क असिस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, इसकी लिमिट स्पीड लिमिट मैनेज कर सकते हैं और जो भी इसका डाटा पर्टिकुलर यूज़र के लिए हम लिमिट सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्क करता है और बहुत ही ये अच्छा गैजेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जो गैजेट, उसका नाम है गूगल होम। तो चलिए देख लेते हैं गूगल होम का क्या है फीचर्स और कैसे दिखता है उसका लुक। ये है गूगल होम। गूगल होम एक स्मार्ट असिस्टेंट टाइप वर्क करता है। ये स्मार्ट डिवाइस है और काफ़ी क्यूट लुक है इसका भी। और इसमें भी बेस्ट फीचर्स है, आपको इसमें गूगल असिस्टेंट दिया जाएगा जो आपके कुछ भी क्वेश्चंस आंसर का रिप्लाई करेगा। अगर आपने म्यूज़िक प्ले करने के लिए कहा तो ये म्यूज़िक भी प्ले करेगा वाया यूट्यूब अदर ऐप्स के थ्रू और आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली आपको क्विकली दे देगा। और कुछ भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आप गूगल होम को अपने होम में कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर फिट कर सकते हैं, इसके साथ आप कम्युनिकेट करके अपने क्वेश्चन आंसर का पा सकते हैं। इसमें सुपीरियर साउंड एंड वॉइस टेक्नोलॉजी दी गई है, इसके जो स्पीकर से वो भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें एक म्यूट बटन भी दिया है अपर साइड। और इसकी जो वर्सटाइल डिज़ाइन भी दी है अलग अलग रेंजेस में, मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर्स में, बहुत ही बेस्ट दिखने वाला ये गूगल होम है। ईजिली इसे हम सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पर इसके फीचर्स दिए, डायमेंशन, हाइट्स, कलर्स, सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट्स, वायरलेस से कनेक्ट होता है, जो भी इसकी रेंज है वो दी गई है। स्पीकर के बारे में भी इसमें बताया गया, पावर पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों में कनेक्ट हो सकता है। और जो इसकी प्राइस है ये $129 है, मतलब इंडियन रुपये के हिसाब से, मतलब
मतलब इंडियन रुपी के हिसाब से 8,500 रुपीस होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी इंडियन रुपीस वैल्यू है। और जो ये हमारा गूगल होम, ये सेम एज इट इज़ अमेजोन इको के जैसा दिखता है, जो थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ था। और इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं गूगल होम के। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट अगला गैजेट कौन सा है। वो है क्रोमकास्ट अल्ट्रा। क्रोमकास्ट अल्ट्रा भी बहुत अच्छा गैजेट है। ये गूगल क्रोमकास्ट ओल्डर वर्जन से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें भी हम अलग अलग फीचर्स देखेंगे। ये छोटा गैजेट है जिसमें जिसके थ्रू हम नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रीमिंग, जो स्ट्रीमिंग पावर है, उसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को पीसी पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी फ़ोटो फ्रेम्स को मोबाइल के थ्रू इसमें देख सकते हैं। इसकी 4K स्ट्रीमिंग है अल्ट्रा HD एंड HDR में। और हम इजीली अपने मोबाइल को मिरर करके इसमें कुछ भी सॉन्ग्स वीडियोस देख सकते हैं। ये इजीली कंफर्टेबल पोर्टेबल है, जो टीवी के पीछे छुप जाता है। वो बहुत ही अच्छा इसका साइज़ है। और इसमें और भी फीचर्स है, जैसे मिरर एनी वेबसाइट को हम लोग पीसी पे करके टीवी पे देख सकते हैं। ये गूगल होम के साथ भी काम कर सकता है। और आपके टीवी को ये स्मार्ट पिक्चर फ्रेम में भी कन्वर्ट कर देता है। और इसकी जो प्राइस है वह है $69। और इंडियन रुपी के हिसाब से देखेंगे तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स 4,500 रुपीज़ होगी। तो जहाँ तक गूगल ने ये अच्छे गैजेट्स लॉन्च किए हैं और सभी को शायद पसंद भी आएंगे, तो मुझे उम्मीद है शायद सभी इंडियंस इनसे पसंद करेंगे, या जो भी लोग हैं दर्शक हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर लाइक कीजिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।